अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम टोयोटा डी खान मोटर्स की डीलरशिप पे मौजूद हैं। तो आज हम आपको यारिस के बारे में डिटेल बताएंगे और हमारे साथ हैं उज़ैर भाई। तो पहले ये अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके बाद हमें गाड़ी की फुल डिटेल्स बताएंगे। मेरा नाम अमर उज़ैर बाबर है और मैं टोयोटा कंपनी में एज ए कस्टमर रिलेशन मैनेजर हूँ और मेरे साथ जुड़कर नैन भाई हैं और मैं आपको आज 1.5 की जो है फीचर्स बताने लगा हूँ इनके एक्सटीरियर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फ्रंट से शुरू करेंगे। फ्रंट में हमारे पास यारिस में इस पर जो दिया हुआ है वो हेडलैम्प है हेलोजन विद गे लाइट। हमारे पास जो है ना एलईडी गे लाइट दी हुई है और इसमें जो हमारे फीचर दिए हुए फॉग लैम्प दिए हुए जो कि 1.3 में नहीं है। और इसका जो है गार्निश है क्रोमिक, इसका जो है ना फ्रंट लुक दिया हुआ है विद इसका मोनोग्राम जो है वो भी इसका जो है क्रोम में दिया हुआ है। और इसका एक स्टाइल बनाया हुआ है स्पोर्ट्स लुक में, इसका बम्पर है वी शेप में और ये सारा मतलब जो है इसका जो है ना एक जो बम्पर है और इसका जो बोनट है वो स्पोर्ट्स लुक में एक दिया हुआ है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़े साइड पे, इसकी जो साइड मिरर दी हुई स्टाइल साइड मिरर है और ऑटो एडजस्टेबल नहीं है ये 1.3 में भी नहीं है, 1.5 में भी ऑटो एडजस्टेबल नहीं है, ठीक हो गया। और इसका जो साइड लुक दिया हुआ है यहाँ से ये भी इसके जो है स्पोर्ट्स लुक में जो है ना इसमें दिया हुआ है। और अच्छा उज़ैर भाई सॉरी आप ये बताएं कि ये अलॉय रिम्स जो है ये 1.3 सिंपल में भी आते हैं? नहीं 1.3 सिंपल में नहीं है, 1.5 में अलॉय रिम्स दिए हुए हैं, 15 इंच के इसके जो है ना अलॉय रिम है। ये दोनों एक्टिव में दिए गए? एक्टिव में दिए गए, ठीक। 1.5 एक्टिव मैनुअल में और सीवीटी में मतलब जो है उसमें अलॉय रिम दिए गए हैं और बाकी उसमें जो 1.3 के चार वेरिएंट हैं उनमें अलॉय रिम्स नहीं हैं, ठीक। और इसका जो है जो हमारे हैंडल्स हैं ये क्रोम के मतलब जो है ना इन्होंने स्टाइलिश एक दिया हुआ है। फर्दर इसमें जो है इंटीरियर में भी मतलब जो है ना ये क्रोम का मतलब जो है ना ये हैंडल दिया हुआ है ग्रे कलर में, खूबसूरत स्टाइल दिया हुआ है जिसमें मतलब जो है ना एक कस्टमर को जो है ना गुड फील आता है। देन हम इसकी जो है इसके बाद हम आपको लेकर जाते हैं इसके जो है बैक साइड पे जो बैक हेडलाइट। आप ये हमें इस बैक सीट्स के बारे में बता दें कि इसकी लेग स्पेस कैसे आप लेग स्पेस जो है इस पर जो है बहुत अच्छी है। लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हैं तो इसमें जो है ना आप चार बंदे बिठा सकते हैं, ठीक हो गया, जो इजीली कंफर्टेबल हो सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आप सिटी के अंदर चलाना चाहते हैं तो आप तीन बंदे पीछे और दो बंदे आगे मतलब जो है ना बिठा सकते हैं, जो इजीली आपको चला सकते हैं, कंफर्टेबल है, ठीक हो गया। स्पेस भी इसकी अच्छी दी हुई है। इसके अलावा जो है हम आपको बताना चाहते हैं इसकी बैक लाइट्स के बारे में, जो एल ए की बैक लाइट्स दी हुई हैं इन्होंने, ठीक हो गया, बड़ी खूबसूरत मतलब जो है ना यहाँ से चलती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा रिफ्लेक्टर दिए हुए इन्होंने जो कि 1.3 में नहीं है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है इसका लगेज स्पेस, इसका स्मार्ट ट्रंक बटन दिया हुआ है जो कि ओपन होता है, ठीक हो गया। और ये इसके बूट स्पेस है और 1.3 से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसका। अच्छा इसकी बूट स्पेस 1.3 से ज़्यादा है, बिल्कुल 1.3 में कम है। और इसमें ABS और VCS ये दो फीचर भी दिए गए हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक हो गया, ये दिया गया। और ये हमारे पास YARIS 1.5 एक्टिव एक्स है, ठीक हो गया सर। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, इसका इंटीरियर में पुश स्टार्ट बटन दिया गया है कीलेस से, सही हो गया। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास स्मार्ट ओपन डोर ऑप्शन भी है, राइट। ये कंट्रोल सिस्टम दिए गए इसमें मतलब जो है आपके जो है साइड मिरर कंट्रोल भी है, ठीक हो गया। और ऑटोमेटिक जो है इसके जो है ना लॉक्स होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम आपको जो है ना दिखा देते हैं
पुश स्टार्ट बटन है, इसमें इको ऑप्शन, इकोनॉमी ऑप्शन भी है, स्पोर्ट ऑप्शन भी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास जो है मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है ना वो स्टेयरिंग के ऊपर दिया गया है, जो कि 1.3 में नहीं है। इसमें आप मल्टीमीडिया कंट्रोल इधर से भी है और इधर से हमारे जो है फ़ोन कंट्रोल के साथ कनेक्शन हो जाता है। और इसमें बड़ा प्यारा सा मतलब जो है ना स्पीडोमीटर का लुक दिया गया है। सही, इसको मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इसके फीचर्स को पता लग जाएगा। सही, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा मतलब जो है ना फीचर दिया गया है, साथ में स्क्रीन दी गई है, इसी में ही हमारा इकोसिस्टम और रोड सिस्टम के बारे में भी मतलब पता लग सकता है। और अभी इस टाइम जो है हमारा यहाँ पे जो दिया गया है वो डोर ओपन का ऑप्शन भी इसमें आ रहा है, क्योंकि 1.3 में नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद अच्छा इस गाड़ी की जो फ्यूल कंजप्शन आती है वो इस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आती है। जी, वो फ्यूल कंजप्शन जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में भी ही मतलब जो है ना आपको मतलब जो है ना वो शो कर देता है। अच्छा, और दूसरा ये मीटर्स की जो ब्लूइश लुक है, ये आप सिर्फ 1.5 एटिव और 1.3 एटिव में ही दी गई है बस, बाकी उसका जो मीटर है 1.3 का वो सिंपल है। ठीक, उसमें मतलब ये लुक। और सर इसके बारे में व्यूअर्स को बता दें, ये साइड लाइट्स के बटन जी जी ये सारी लाइट्स के जो बटन हैं ये हमारे पास जो है 30 सेकंड के लिए जो हमने लाइट दी गई है, फॉग लैंप भी इधर ही से ऑन होते हैं। ठीक ठीक हो गया, और ये हमारे जो है लाइट्स भी हैं यहाँ से ऑन हो गए। अभी इसके हम हमारे लाइट जो है ऑन है 30 सेकंड के लिए। ठीक, इसको हम डे लाइट मिरर भी लाइट्स भी बोलते हैं, LED। और इसको जो है ना जब उस टाइम ये ज़्यादातर हमारे सपोर्टिव होती हैं जब हम किसी कार की पार्किंग कर रहे होते हैं, 30 सेकंड के लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। इसमें हमारे जो है 6.7 इंच की जो है ना स्क्रीन दी गई है, 6.7 इंच की स्क्रीन दी गई है, और ऑटोमेटिक इसका जो है AC है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है। ठीक हो गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सही हो गया, और इसमें चार्जिंग स्पोर्ट ये सीक्रेटली जो है वो दिया गया है फीचर लाइकर की। हैंग ब्रेक सब में जो है ना मैनुअल है सर। ठीक है, ठीक हो गया, अभी ये हैंग ब्रेक लगी हुई है, और ये इसका स्मार्ट। ठीक, ये स्पेस कंसोल बॉक्स की स्पेस है बिल्कुल, इसमें जो है ना मोबाइल का भी जो है ना खोल सकते हैं। इधर भी मतलब जो है ना स्पेस दिया गया है, इसमें आप अपनी जो है ना बॉटल वगैरह भी और चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और सर सेफ्टी फीचर्स के बारे में, सेफ्टी फीचर्स के बारे में ये इसकी जो है 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। ठीक हो गया, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि इसके जो स्पीकर्स हैं 6 स्पीकर्स हैं, जो कि 1.3 में 4 हैं, और इसमें जो है ना 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। और ये कंपार्टमेंट लाइट्स, कंपार्टमेंट लाइट्स के बारे में बता देता हूँ, ये हमारे जन दिए गए हैं कंपार्टमेंट लाइट्स। ठीक है, और बैक पे भी दिए गए हैं ना, बैक पे भी है, इधर ये बैक पे हमारे जन कंपार्टमेंट लाइट्स दिए गए हैं। और हमारे स्पेस माशाल्लाह जो है ना बहुत खूबसूरत से बनाया हुआ है। और ये जो गाड़ी है इसके जो साइज़ है 7.7 mm जो है वो क्रोला 1.3 से थोड़ी सी कम है, बट अंदर से आप जब बैठते हैं बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। बिल्कुल, डैशबोर्ड की लुक भी काफ़ी अच्छी है, लुक भी मतलब स्पोर्ट्स लुक में भी दिया, बड़ा डिफरेंट सा लुक दिया हुआ है और खूबसूरत सा लुक दिया हुआ है। अच्छा ये बताएं ज़हर भाई, ये हार्ड प्लास्टिक है ना, लेदर तो कोई इसमें यूज नहीं है? इसमें हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, लेदर इसमें जो है ना यूज़ नहीं किया हुआ। बाकी इसकी जो है ना सीट्स जो है वो दी गई हैं, हमारे गुड स्टफ है इसका, सीट्स का फैब्रिक्स में है सारों की, इसमें लेदर सीट्स भी आती हैं या नहीं? लेदर सीट्स तो इसमें अभी तक हमें यूज नहीं की गई, बट इसमें जो है अभी तक जो है ना बेस्ट फैब्रिक्स की जो है हमें सीट्स का जो है किया गया है। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल टच बटन के साथ आपको मिलते हैं या टच स्क्रीन भी है इसमें? टच बटन के साथ मिलता है, टच स्क्रीन नहीं है सर। अच्छा ठीक है, और 1.3 में वही डायल टाइप है जी। और इसमें सर की फीचर में एक तो 2 एयरबैग्स हैं और बैक कैमरा भी है। ठीक, बैक साइड कैमरा भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी खूबसूरत सी मतलब जो है इसकी स्क्रीन वगैरह भी दी गई है, और इसकी जो है लाइट्स बटन और साइड पे सिल्वर पैनल्स भी बहुत खूबसूरत से मतलब जो है बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये अंदर से मतलब ये सारा सिल्वर पैनल सारा आ रहा है यहाँ तक इस तरह। ठीक हो गया, ये भी सिल्वर पैनल में मतलब जो है ना इन्होंने दिया गया है, और इधर से AC का भी मतलब जो है ना ये सारा सिल्वर का वो दिया गया।
ठीक सिल्वर पैनल। तो इसमें इंटीरियर जो है ये भी क्रोम में मतलब जो है इन्होंने दिए गए, ये सारे क्रोम के मतलब जो है ना मैकेनिक जो कि 1.3 में। और ये डोर्स में अपर पोर्शन पे लेदर यूज किया गया है या ये नहीं, ये हार्ड प्लास्टिक है सर। ठीक, ये हार्ड प्लास्टिक, लेदर नहीं है। ठीक ठीक हो गया। अच्छा जहर भाई, अब इंजन की व्यूअर्स को दिखा दें। अभी इसके इंजन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि 6 लाख इसका इंजन दिया हुआ है, 1NR एंड 2NR इसकी जो है ना इंजन मॉडल नेम है। ठीक हो गया, ये सारा अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जो है ना ये कंप्यूटराइज सारा सिस्टम लगा हुआ है। ठीक हो गया, ये AGS की इसमें बैटरी दी गई है। ये ड्राई बैटरी है या ये नहीं? ड्राई बैटरी नहीं है सर। ठीक ठीक हो गया, AGS बैटरी दी गई है और बाकी सारा बाकी जो है ना ये इंजन है। इसके नीचे जो है ना 1NR 2NR का इंजन जो है ना मॉडल नेम लिखा हुआ होता है। ठीक हो गया, और इसके अलावा मतलब जो है 6 सिलेंडर इसमें जो है ना इंजन दिया गया है। बैक कैमरा दिखाना भूल गया था आपको, मैं बैक कैमरा दिखा रहा हूँ। ये इसका जो है ना बैक कैमरा लगा हुआ है सर, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, ये बैक पार्किंग पे आप, ये बैक पार्किंग के लिए जो है ना कस्टमर को बहुत इजी फील होता है जब आप बैक पार्किंग कर रहे होते हैं, लेडीज हों या जेंट्स हों। तो बेसिकली ज़्यादातर बैक कैमरा जो है ना वो लेडीज़ के लिए होता है, जेंट्स तो वैसे ही मतलब जो है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त ड्राइवर होते हैं, वो मतलब जो है ना पार्क करने में उनको ईजी होता है। बट जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो है ना पीछे देखना और पार्क करना, वो अक्सर बैक मिरर यूज़ नहीं करते। तो बैक कैमरा इसलिए दिया गया है कि मतलब जो है ना वो ईजिली कोई भी बंदा जो हो वो पार्क कर सके। अच्छा, मैं अभी जो है प्राइस के बारे में भी इसका बता देता हूँ। ये हमारे पास जो यारिस अभी मॉडल ठहरा हुआ है ये फुल ऑप्शन में है 1.5, इसकी जो प्राइस है वो है 29,93,000 रुपया इनवाइस प्राइस है। ठीक हो गया, और इसकी बुकिंग का तरीका ये है कि अगर आपको बुकिंग कराना चाहते हैं तो 7 लाख डाउन पेमेंट आप करेंगे, और उसके बाद जो बकाया रिमेनिंग पेमेंट रह जाती है वो डिलीवरी मंथ से 40 दिन पहले आपको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद मतलब कहना आपकी जो है ना ये बुकिंग का तरीका और आप मतलब गाड़ी जो है ना डिलीवर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसका यह है कि फुल पेमेंट है, जब आप फुल पेमेंट कर देंगे तो विद इन 1 मंथ आपका जो है ना ये आपकी गाड़ी हम आपको डिलीवर कर देंगे। और इसमें जो है 1.5 में 2 वेरियंट हैं, ये हमारे पास फुल ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक हो गया, 1.5 मैनुअल में भी है, 1.5 जो है एडिप सीवीटी में ऑटोमेटिक जो है वो भी है। ये टॉप ऑफ द लाइन है, ये टॉप ऑफ द लाइन है। और इसमें जो है 1.3 में 4 वेरियंट है, लो ग्रेड हाई ग्रेड में। ठीक, अच्छा जो लोग बुकिंग 7 लाख से कराएंगे और प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो वो इंक्रीज प्राइस देंगे? जी, जो अगर बुकिंग 7 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दी है और फर्दर आपने भी इसकी जो पार्शल पेमेंट है वो नहीं की। ठीक, तो जब आप पार्शल पेमेंट जब करेंगे और उस दौरान अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो देन आपको जो है ना वो पेमेंट देनी पड़ती है कस्टमर को देनी पड़ती है। और जो फुल पेमेंट करें, जो फुल पेमेंट हो जाती है उसके लिए ये है कि वो फुल पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी, तो विद इन 1 मंथ जब उसको डिलीवरी हो जाता है और डिलीवरी क्या हमने प्रॉमिस कर चुके हैं और प्राइस इंक्रीज हो जाती है इस दौरान, तो वो बंदा जो है प्राइस जो एक्सीड हो चुकी है वो नहीं पेमेंट करेगा। ठीक है, बारे में तो थैंक यू उज़ैर भाई, आपने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया। थैंक यू सो मच। इसके साथ ज़ुल्करनैन विलाग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।